नमस्कार, मिथिलांचल एफ एम 105 मेगा हर्ज आ www.mithilanchalfm.com.in पे हमर सबके यूट्यूब चैनल देख रहल आ सुन रहल संपूर्ण श्रोता सबके कार्यक्रम मिथिलांचल विशेष में हार्दिक स्वागत है। मिथिलांचल विशेष लोग उपस्थित छी हम गायत्री और आई हम सब स्टूडियो में नहीं छी, आई हम सब आयल छी प्रदेश सभा 2 के भवन में। किया तो आई हम सब बातचीत करब प्रदेश सभा 2 के सभामुख सरोज कुमार यादव जी सब, जे विगत के एक वर्ष में प्रदेश सभा के जे एक वर्ष बीतले हुए एक वर्ष में की काम सब भेलै हम केहन रहल ई एक वर्ष ताहिके संबंध में तहिना हम सब आई बातचीत करब प्रदेश सभा दू के उप सचिव रंजीत कुमार यादव जी सब, ओ वर्ष के उत्कृष्ट कर्मचारी हमको चुनाल छे और की काम सब प्रदेश सभा के 4 वर्ष में आरो करब के छे ताहि संबंध में बातचीत करब। आजुक मिथिलांचल विशेष में हम सब बातचीत करब प्रदेश 2 के प्रदेश सभामुख सरोज कुमार यादव जी संग। सभामुख जी अपने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम मिथिलांचल विशेष में। धन्यवाद। सभामुख जी, ई विगत के एक वर्ष केहन रहले? विगत के एक वर्ष तो हमने लग बनिए रहले, एक वर्ष में बहुत ही इम्पोर्टेंट विधेयक सभी बनले, बहुत फलदायी नहीं एक वर्ष के लिए प्रदेश ला। प्रतिपक्ष के संबंध में विवाद निष्कर्ष लगवा निश्चकले ने तर कानून बनावा सफल भी हुई तो अब प्रतिपक्ष के तो भूमिका रही विपक्ष विरोध करेंगे, फिर भी एक वर्ष में कौनो प्रदेश से कम कानून दिया था ना बना दिया। अभी तक ले 16 विधेयक यहाँ पास हो गए, इनमें 14 तो सर्वसहमति से ही प्रतिपक्ष के ही सर्वसहमति से ही 16 विधेयक पास हो गए, 2 में आके बहुमत देखा तो पास भी नहीं। वैसे एक वर्ष ये प्रदेश के सफलते कहे पड़ते प्रदेश सभा के एक वर्ष पूरा भेल अवस्था में जब पहले प्रमुख प्रतिपक्षी सांसद सत्यनारायण मंडल के बुझेलें जे हुनका अपमान फील भेल छे, तो एना हुनका सबके किया अपमानित फील भेल जकाँ बुझाइए? सत्यनारायण मंडल जी के अपमान यहाँ भेल नहीं, हुनकर बुझाई गलत है, ऐसे कि वहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा भी जैया पार्टी अलग रहे माओवादी से, वो दिन भी प्रमुख प्रतिपक्ष के नेता वहीं रहते नहीं है। आज नेकपा माओवादी भी एकीकरण भले तो अभी भी वहीं छथिन आज तक, लेकिन दोनों पार्टी एकीकरण भेल के बाद हुनकरे दल के सत्यधन महतो माननीय जी एगो निवेदन हमरा लग देलथिन कि हम ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता निकारा के न स्वीकार, तो निवेदन दिला के मतलब की हुई थी अब हमारे वेरीफाई करे के पड़े कि कौन आधार से यहाँ दल के नेता बनल छी, कौन आधार से नहीं के, तो उनका के फोन कर के भेल कि अपने कौन आधार से बनल छी कि अपने के पार्टी से यहाँ एगो निवेदन पड़ल, तो अपन नया जो पार्टी एकीकरण भेल के बाद जो लोग विधान बनेल से दल के नेता बने के वो विधान लैके दिलथिन अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता सत्यनारायण मंडल ही हैं, तो उनका कि एको दिन ला हमने यहाँ से हटल ही नहीं कि सुविधा कटल ही नहीं कि, तो उनका मतलब ठीक के फील कहाँ से आ गया? अगर एको दिन के लिए हटा दे रहा था कि आप सब प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता नहीं थी, तब उनका अपने अथी बुझे कि हमारा हम रहते हुए भी हमारे काय हटा दो, एको दिन अगर सुविधा में कटौती कल ही नहीं, तो उनका बुझाई में फर्क पड़ा। आखिर उन करे दल के नेता अगर निवेदन दिल तो वह माननीय के हमारा तो देखे के पड़ो ये थोड़ी हमारा कहेगा मिली कि थोड़ा निवेदन हम ना लें, तो वो लोग आपसी पार्टी के द्वंद के कारण बीच में एगो होकर कि पहले अब पहले बेर अहाँ के शुरू शुरू के बात हम राख दे चाहिए, शुरू शुरू में की रहे कि यहाँ 19 कांग्रेस के माननीय 21 नेकपा के माननीय, जब सरकार जे जथिन यहाँ गठन भेले वो दिन सत्यनारायण मंडल जी सरकार के समर्थन दिल थी, आ समर्थन दे के वो हम हाउस में बोलथिन कि हमारा प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता हमारा मिले के चाहिए, तो उस समय में कानून अनुसार स्पष्ट लिखल है कि जौन दल सरकार के समर्थन करी प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता बन के नाम, तो हम कहली कि यहाँ के नियम से ना मिले आ नियम के विपरीत काम हम ना करें, ऐसे कि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता कांग्रेस बने तो वहाँ हमारा के बहुत जगह से प्रेस भी कर प्रेसर कि ना ना हमरे के दियो हमरे के दियो, हमारे नियम के विपरीत हम ना दें, तो हम कांग्रेस के बने प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता उस समय
जब कांग्रेस के उनका मालूम हो गल तो दो दिन के बाद में समर्थन फिर चल रहे सरकार से, तो सरकार से फिर चलने के बाद में उन करे कि हम प्रमुख प्रतिपक्षी नेता जो है से बने थी वो दिन से आज तक कंटिन्यू हो, लेकिन वो दिन के रीस अभी वो दिन रह सको है, जबकि उनका के एको घंटा ला भी प्रमुख प्रतिपक्षी दल से हम हटा लेने प्रदेश सभा में दल सबके भूमिका केहन देख रहा छे अपने? देखो हमने के प्रदेश सभा में दल सब भूमिका बहुत सराहनीय है, ऐसे कि यहाँ 19 गो संघीय सांसद रहल प्रदेश सभा सदस्य, लोग जल्द काम करे में बहुत सहज भी बा, आ यहाँ के दल के नेता लोग ईमानदारी पूर्वक भूमिका, जैसे प्रदेश में बनिए कानून के नहीं बने के चाहिए, ये प्रदेश के विकास के नहीं हो के चाहिए, वो में सब दल वो नेकपा होके कांग्रेस होके राजपा होके फोरम होके इसमें सब दल के भूमिका बहुत ही बढ़िया बहुत ही सराहनीय है। संसदीय समिति के बनाव में देरी भेल है, निर्वाचन प्रक्रिया में किया जा पड़े था? ना एकर निर्वाचन प्रक्रिया में जाहि के पड़े छे, एकर एकर प्रक्रिया ही निर्वाचन सहमति से नहीं छे, आप सहमति होई त नामनेशन के प्रक्रिया में नामनेशन योग्य पर ही निर्भर हो जाए, लेकिन ई बिना निर्वाचन प्रक्रिया के सहमति न बने छे, ते में कारण ढिलाई होके कारण दू गो हो गए, एगो हो गल कि हमनी के सभापति के बैठे ला पूर्वाधार नहीं होल, दूसरका हो गल कि नेकपा आ माओवादी के एकीकरण जब भेल तब जे छै ये सरकार बहुत ही बढ़िया निर्णय कले कि हमनी मिल के समिति के सभापति बांटे के में मतलब बहुमत अवमत के आधार से नहीं करेंगे, तो सात गो समिति में दू गो नेकपा दू गो राजपा दू गो फोरम एगो कांग्रेस, ये सरकार के बहुत प्लस पॉइंट है ये काम में, तो सबके जब समिति मिल गए तो समिति के तो सभापति के नाम देवे पड़े, तो लोग के पार्टी की किरण के चलते नाम में तीन विलम्ब हो गए, से कि जिस दिन सब समिति के नाम हमने ले ली माननीय लोग जो निकल जिस समय में नेकपा एम आल ए माओवादी रहे, अब जब जब सभापति बनाए के भेल तो समय दोनों पार्टी के करण हुए, तो दोनों पार्टी के तरफ से नाम आवे के पड़े, तो लोग अनुरोध कल कि हमने के कुछ समय दिया तो दू महीना वो लोग के चलते लेट लाए। अब हमारे सांसद सब से एक अनुरोध बा कि अनुशासित तरह से हाउस में आवे के और बाद में विशेष छलफल कह के एकदम गहन जो विधेयक सब पढ़ के ऊपर छलफल कह के ये प्रदेश ला बढ़िया कानून बनाऊँ बढ़िया से विकास करूँ, ये हमारे सांसद लोग से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपन व्यस्ततम समय हमारा सबके लिए तय करे सभापति तहिना हम सब आज बातचीत करब प्रदेश दू सभा के उप सचिव रंजीत कुमार यादव जी से। रंजीत जी अपने बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिथिलांचल विशेष में, वर्ष के उत्कृष्ट कर्मचारी बनकर चुनाव छे अपने के बधाई से होय प्रदेश सभा के एक वर्ष केहन रहल है? प्रदेश सभा के एक वर्ष एग्रीगेट मिला के तो 16 विधेयक हमने पास के लिए आठटा छः समिति में प्रदेश सभा में जो है एक दूटा सचिवालय में छे आधार में तो उपलब्धि पूर्ण देखा है, एक वर्ष में 16 विधेयक कम नहीं मिले, लेकिन फिर भी कुछ चीज में प्रगति नहीं मिले, जना कि राजधानी फिक्स नहीं मिले, बहुत जरूरी रहे नाम नहीं मिले, अभी प्रदेश में मतलब झुंडियल छे, हाँ ये चीज में कनी कमजोरी रहा, भ जाती तो और बढ़िया होती उपलब्धि पूर्ण होती। प्रदेश सभा में दल सब के भूमिका केहन देखे दल सब एग्रीगेट में पॉजिटिव सब छे, प्राय जो डिसीजन सहमतिये से भेल छे ओहि लेल देखाय छे कि सब पॉजिटिव छे, हालांकि पॉलिटिक्स छे कनी कनी अपन सबके राजनीति करे के छे, एक दूटा डिसीजन में कनी कनी मतांतरो रहले, लेकिन एक समग्र में एकदम सहमति पूर्ण तरीका से प्रदेश सभा चल छे, ओहि सबके भूमिका पॉजिटिव छे। प्रदेश सभा में कर्मचारी के कतेक समस्या भ रहल छे? कर्मचारी के समस्या छै की समस्या छै? जना शुरू में समस्या रहे अखन फेर एक टा आबि सकै छै, जना कि अब समायोजन भ रहल छै, अभी एक न्यूज में उप सचिव के समायोजन भेलै प्रदेश नंबर 2 में, एक कोटा उप सचिव नहीं है, जमा 6 भेल है स्थानीय प्रदेश में और सब संघे में है, आ मजबूरी भ गेल फेर प्रदेश सरकार स्थानीय प्रदेश सभा सबके केंद्र के कर्मचारी से काम कर रहे हैं, जो पहले प्रॉब्लम और जटिलो भ सके तो प्रॉब्लम है, आप तो हमें कनी और जटिल हेतु की सब समस्या सब आ सके उप सचिव में देख लीजिए आप, सखवा अधिकृत में टेंटेटिव होने अवस्था है,
ओके साथ साथ ओमें आते तो नीचो ओहने आते सीधे प्रदेश सरकार उप सचिव के भरना नहीं कर सके छे शाखा अधिकारी तो कुछ करो सके छे उप सचिव नहीं कर सके छे नहीं कर सके राइट नहीं छे नहीं राइट तो छे लेकिन ओमें है छे के उप सचिव तो शाखा अधिकारी से पढ़वा के गलत है मैक्सिमम परसेंट आ जब अहाँ के शाखा अधिकारी नहीं है तो लबे कत से है तो ओले चार पाँच बरस में मात्र उप सचिव फूल हेतु की तर शाखा अधिकृत से प्रमोशन के काम कराते कि केंद्र से कुछ काज में मंगाए काम प्रमोशन की किछु छै क्राइटेरिया मतलब एते कदी में प्रमोशन भ सके सर हां जना अभी संघीय निजामती एन में कमती में 5 बरस पुगल रह के छै ओइसे पहिले नहीं हेते पर अब चाहे बरिस प्रदेश सरकार के ई अखन जति छै चाहे बरिस छै मतलब अखन की जे सरकार छै से सख्या देखित सरकार चलेते मजबूरी हेते करना ही पड़ते कलाके पर संघीय निजामती के जे ड्राफ्ट छै ओ लिखलो छै कि ई एन मार्गदर्शक रहते प्रदेश निजामती के स्थानीय निजामती के तो तक कही पड़ते स्वाभाविक एक और बात है कि उप सचिव सह सचिव छै तो अनुभवी के लगती तब मात्र फ्रेश के अहाँ जो उप सचिवों में लेबे तो ओकरा में शाखा अधिकारी में कोई फर्क नहीं रहता कलाके अनुभव में तो जीरो रहता तो अहाँ सचिवों लेबे तो यो अनुभव में जीरो है तो कोई उपलब्धि पूर्ण नहीं होता तो शाखा अधिकृत के लायक वा फिर उप सचिव अपने जो कहलिए फ्रेश तो यदि फ्रेश उप सचिव एने वा शाखा अधिकृत के लायक क्योंकि तो उप सचिव वाला काज सब कति समस्या से बाइब सके प्रदेश समस्या तो हेते वहन कर लिया शाखा अधिकृत जना कंद कर्मचारी भरना के मॉडल की छे अभी शाखा अधिकृत में मैक्सिमम बाहर से लियो फ्रेश टैलेंट आदमी के उप सचिव समय बढ़वा से लियो बेसी फ्रेश से कम लियो तो ये लेल कहे छे कि उप सचिव के तो बहुत सी सोच के रिकमेंड करे पड़े छे डिसीजन करे पड़े छे शाखा अधिकृत कनी अनुभव नहीं होय तो लिखल के तो उप सचिव ओकरा मेंटेन कर दै छे सब नया होते तब मुश्किल हेते बोले डिसीजन अच्छा बातो नहीं आ सकिए कभी का तो वो मुश्किल तो कनी लंबे दिन तक चले वाला छे प्रदेश के स्थानीय के लिए प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष की केहन भूमिका दिख रहा छे संबंध केहन दिख रहा छे एना छे हाउस में तो प्रतिपक्ष है छे कनी प्रतिपक्ष के भूमिका देखाबे करे छे लेकिन हाउस बाहे हमने तो भीतरो देखे छे मीटिंग सब में एकदम सौहार्दपूर्ण बताबे छे ई आगामी एक वर्ष तक बीत गेल छे जी अब 4 वर्ष रह गेल छे आगामी 4 वर्ष में प्रदेश सभा के आरो की करे के छे सबसे पहले तो हम पहला हो कहलो कि राजधानी फिक्स करे के छे वही बिना जना हमनियो अभी ऑफिस सेटल परमानेंट स्टाइल से केना करबे अभी फिक्स नहीं छे कि राजधानी कतय हेते एक राजधानी कोनो ठाउ में हेते राजधानी के कारण से मुख्य की समस्या से लागल छे जना ऑफिस से परमानेंट सेटल हमनी करे नहीं चाहे छे परमानेंट स्टाइल के मेंटेलिटी नहीं बन सकी है जब तक परमानेंट नहीं हेते राजधानी सबसे बड़का प्रॉब्लम है इसे लेकिन संविधान में लिखल छै जे 10 बरस तक नाम और राजधानी फिक्स नहीं हेतै तो काम कयल जा सकैए नहीं संविधान में से नहीं लिखल छै संविधान में की लिखल छै कि प्रदेश के राजधानी या प्रदेश के नाम प्रदेश सभा के द्वितीय भवन से हेतै ओहिमे टाइम कथु नहीं लिखल छै टाइम नहीं लिखल छै भ सके केकरो नाम 10-15 बरस न भ सके छै से भ सके छै आ जब तक परमानेंट नहीं हेतै तो टेम्पररी जे अस्थायी राजधानी छै ओतय काज करनाइ बाध्यते है तो उहे प्रॉब्लम है कि परमानेंट नेचर से अपने नए स्ट्रक्चर बना सके छै जेना हमनिए के अभी समिति सभापति के रूम में छै हालांकि बहुत जल्दी हमनी सभापति लेबे लेकिन बैठा देता तब का प्रॉब्लम तो छै नया बिल्डिंग बनबे खर्च लागते बेसी तो लेल बीच के हमनी रास्ता निकालले छै प्री-5 के एगो बनबे के कि परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं टेम्पररी आ उहे फिक्स रहती तो हमनी परमानेंट स्ट्रक्चर बनी थी तभी जब ये जब टेम्पररी स्ट्रक्चर बनबे खर्च तो दूटा लागते आखिर लाख में परमानेंट तो बनाबे पड़ते तो जत दिन तक रहते ये अवस्था है तत्ते खर्च अनावश्यक बढ़ जाते सरकार अनावश्यक खर्च बढ़ते हैं स्वाभाविक है आरो एकटा अपने नाम के कहल गेलै आरो की सब करब के छै प्रदेश सभा के 4 वर्ष में नाम हालांकि नाम लेल काम करे में ओते प्रॉब्लम नहीं छै वेब आइडेंटिटी के छै छै बड़के चीज है फिर हम काम छोट नहीं करब नाम और ई थाइरा नहीं नाम बड़के चीज है आइडेंटिटी के चीज है लेकिन काम करे में ओइसे प्रॉब्लम नहीं काम करे में प्रॉब्लम मेनली राजधानी से जी अब जना भाषो तो के है हालांकि भाषा में अभी कामकाज संविधान में एकटा लिख देले छै कि कामकाज के भाषा देना डेली लिपि के नेपाली भाषा है आ ओहि बाहर प्रदेश सभा तक सके छै दोटा तो नहीं तो कले छै तो प्रॉब्लम तो होन नहीं छै काम भ रहल छै डिसीजन अब सब नेपाली में डॉक्यूमेंट करे पड़े छै उतकला के बाद बहु भाषा में करे पड़ते तो ओहि में ओहन कागज में प्रॉब्लम नहीं छै हां कुछ विधेयक सब के लिए प्रॉब्लम छै विधेयक सब अतय तो हमने छलपल करी छे
जेना 16 तो पास भेल छै अभी 56 छै कुछ और सरकार के पाइपलाइन में भी है तो जेना जेना विधेयक हेतै तेना तेना डिसीजन करते विधेयक में केहन मतलब केहन विधेयक में केहन अथी प्रॉब्लम आ सकैए विधेयक में प्रॉब्लम है विधेयक तो की है कि कुछ कुछ विधेयक में की लिख दिल केन्द्र से जोड़ दिल जेना प्रदेश लोक सेवा संबंधी विधेयक सरकार ये तो तैयारी कर ले हमारे लग दर्द भी आयल है अब हाउसों में हेतु लेकिन वही में एगो की लिख लें कि इसको आधार मापदंड संघीय कानून अनुसार होने वो तो अभी बनल नहीं है तो एक प्रॉब्लम है दूसर एक प्रहरी विधेयक हमने पास तक कैलिए लेकिन संघ में प्रहरी विधेयक नहीं बनल है वो अभी हाउस में छे तो वही लेल एकरा इम्प्लीमेंटेशन में कनी प्रॉब्लम छे वो लेकिन संघ में जो विधेयक टेबल भेल है वो एहन विधेयक बना दिले है कि प्रदेशों प्रहरी के संचालन CDFA करते हैं तो एहन एहन चीज तो हालांकि संघीयता शुरू छे कनी मनी है छै विस्तारे सेटल भेल छै लेकिन अब की अभी हम लोग व्यवहारिक रूप कह दी प्रदेश सरकार भरना लेकिन संघ वाला प्रहरी तो एकटा जिला में दूटा प्रहरी हेतै तो दूटा स्ट्रक्चर में तो और मुश्किल हेतै ना भ सकै छै ना तो से भ सकै छै की बुझाइए जे जनता के अपेक्षा अनुसार प्रदेश विकास कर रहल छै प्रदेश अथी जति के विधेयक सब देखते जल्दी आबक चाहिए जे नियम कानून सबसे सवाल रहल छै ना छै जनता के एक्सपेक्टेशन विधेयक से बेसी डेवलपमेंट है छै डेवलपमेंट के काज सरकार के छै सरकार के की छै कि सरकार के वह डेवलपमेंट के काम अगाड़ी बढ़वे लेल कानून चाहे वो कानून प्रदेश सभा के बनबे के छै तो हमने लग जे कानून आबे छै तो बनि रहल छै लेकिन हमने के की है कि एगो डेमोक्रेटिक स्टाइल में छलफल हमने बेसी करी छै बहुत प्रदेश सभा एहन छै कि जेहने विधेयक आबे छै ओहने पास भ जाइ छै लेकिन हमने में विधेयक बहुत चेंज मुझे जेहना आबे छै तेहना पास भ जाइ छै तो हार्मफुल सब हो सके हां बाद में बड़ी मुश्किल हेतै स्वाभाविक है कहते हैं हालांकि अपन इंटरेस्ट नहीं रखबे आ जतेक आबे छै मैक्सिमम केंद्र के ड्राफ्ट से मैक्सिमम केंद्र के ड्राफ्ट से मॉडल पेट भी छै तो मॉडल के मननाइ जरूरी तो है छै लेकिन सब मननाइ जरूरी नहीं है छै अपना अनुसार से कुछ में थपियो सके छै घटाइयो सके छै तो यहां ओहन है छै ओय लेल कभी काल हम के कोनो कोनो विधेयक लंबा टाइम ही देखल गेली बनल जेना स्थानीय तौर संबंधी दुटा विधेयक है लगभग 4-5 महीना से छै अथी समिति में लेकिन अभी तक डिसीजन नहीं भेलै तीन गो चार गो इंट्रेक्शनो करलक राजविराज वर्दीवा शिवराय सब स्थानीय तौर सबके बुला के आप लगभग लगभग फाइनल चरण में छे लेकिन अभी नहीं भेल छे लेकिन उहे विधेयक दोसर प्रदेश में जल्दी भ गेलै कुछ दिन पहले तीन नंबर प्रदेश के साथी सब आयल रहे हम छलफलो के लिए के संबंध की छे लिख ले हे तो जे आयल रहे मॉडल से इन्हें पास कर देंगे ये तो प्रॉब्लम भ गेलो जा तो है तो संशोधन करबे जेना हमनी के नया बनै छै प्रदेश में नया बनै बहुत प्रदेश में की छै विदेश के राष्ट्रपति के संबोधन के जगह छै विदेश के प्रधानमंत्री के संबोधन के जगह छै अपना राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री के संबोधन के जगह नहीं छै नहीं छै नहीं छै ओहि के बावजूदो हमने के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी कैल छै लेकिन विदाउट नियमावली के व्यवस्था लेकिन हमरे में छै प्रधानमंत्री के संबोधन के जगह छै हमने के सब प्रधानमंत्री सम्माननीय राष्ट्रपति जी स्टील केंद्र के सामुख जी दोसर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के भी संबोधन के जगह है तो कनी कनी मॉडल के अपना अनुसार से ढाले पड़े छे तो वही अनुसार कभी काल हमें बेसि टाइम लगे छलफल के चलते समय बेसि लगे हाँ उन लगना स्वाभाविक भी है हालांकि बहुत अनुभवी भी छथिन यहाँ एगो चीज हमने धनी छी लगभग 19 केंद्र में सांसद रह चुकल मान्य जी छथिन यहाँ हुनका सबके ओहो सिस्टम मालूम है हुनका सबके एगो ई जे हमहूँ छियै हमरो संघीय संसद में रहला 5-6 बरस पहले हमू कनी कनी इनपुट दै छै और कोई प्रदेश में सभा में संसद के आदमी नहीं छै सब प्रशासनिके छै तो लेल कनी फायदा हमरो से है यही से बात धन्यवाद अपन व्यस्ततम समय में हमरा सबके बात राखे के मौका देले ओरे हम सब के धन्यवाद श्रोता और दर्शक अपने सब सुना लिए प्रदेश सभा दू के सभामुख सरोज कुमार यादव जी आ तहिना प्रदेश सभा दू के उप सचिव रंजित कुमार यादव जी संग कैल गेल बातचीत तो तहिना आब अखन हमसब प्रदेश सभा दू के भवन सँ
विदा लेब और साथे साथे सम्पूर्ण मिथिलांचल एफएम सुन रहल और देख रहल श्रोता सबसे विदा लेब। हम गायत्री आगे चाहे देखे और सुनते रहे मिथिलांचल एफएम 105 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।